कृषि क्षेत्र की सबसे प्रमुख बैंकों में शुमार जिला सहकारी बैंक के 150 से अधिक कर्मचारी अब बदहाली का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेजुटी की राशि नहीं मिल पा रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे ये कर्मचारी पिछले 2 साल से राशि पाने के लिए विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। अब एक बार फिर उक्त शिकायत कलेक्टर को की गई है। सेवानिवृत्त कर्मचारी छन्नूलाल पटेल, अशोक पंड्या, भगवान यादव, सीएस जोशी ने बताया कि ग्रेजुएटी राशि देने में बैंक के नियम विसंगतिपूर्ण हैं। कुछ कर्मचारियों को उक्त राशि दी गई, जबकि सैकड़ों कर्मचारियों की राशि रोक दी गई। इसका उदाहरण है कि 1 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त हुई सरस्वती यादव का, जिन्हें फरवरी 2023 में ग्रेजुएटी की राशि का भुगतान किया गया। इस पर सहकारिता आयुक्त भोपाल के सामने आपत्ति भी जताई गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। महंगाई के इस दौर में 2 से 3 हजार रुपए की पेंशन में गुजारा करना संभव नहीं है। ग्रेजुएटी राशि हमारा अधिकार है, इसे जल्द दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये राशि रोकी हुई है, उसके लिए बार बार दौड़ते हैं, और मैं बीमार हूँ और मेरा सेल्वी अस्पताल में हार्ट का इलाज चल रहा था। तो मैंने फिर सर एमडी साहब को बोला कि सर मेरा इलाज है, मैं तो पैसे के अभाव में मेरे को तो मरना पड़ेगा, ये मेरा पैसा कहीं काम में नहीं आएगा। तो उन्होंने फिर मेरे को तारण कर दिया सर, 2 लाख रुपये दिए थे। जबकि वो नियम नहीं है, तो इसको अलग से दे रहे, मतलब आपकी जो ग्रेजुएटी की जमात वो राशि नहीं दे रहा है? नहीं, वो राशि नहीं दे रहे सर, ये अलग से दिए। ऋण के हिसाब से दिया, ऋण के हिसाब से आपको वापस भरना पड़ेगा। वापस भरना पड़ेगा कि 2016 में छठा वेतन लागू हुआ था, रोका गया था, लेकिन 2016 से 18 तक के सब कर्मचारियों को बैंक ने भुगतान कर दिया। या तो बैंक उनसे वसूल करे। और हमारा क्यों रोका गया है, और सन अभी ताजा मामला ये है कि जनवरी में एक कर्मचारी रिटायर हुआ, मिसेस सरस्वती यादव, सरस्वती यादव ने को उन्होंने पूर्ण भुगतान कर दिया। वो बैंक ने किस नियम के अंतर्गत किया, जबकि वो खुद मेरे साथ की थी, मैं भी 2010 का कर्मचारी था, वो और हमारा मामला उन्होंने अटका दिया है। ऐसे करके हम कम से कम 125 से 150 लोग हैं। कृपया हम ये चाहते हैं कि हमारा भुगतान बैंक दे और उस पर कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश जंगराड़े। सहकारी केंद्रीय बैंक में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और हमारी ड्यूटी की राशि में से बैंक का द्वारा छठे वेतन की विसंगति बताकर राशि काटी गई है, जिसके बारे में हमने कार्रवाई करी थी, मतलब DR को भी करी थी और कलेक्टर साहब को भी लेटर लिखा था, मुख्यमंत्री को भी लिखा था। मुख्यमंत्री जी ने अपने सहकारिता मंत्री को, इनको सबको लिखा था। सहकारिता मंत्री ने रजिस्ट्रार को भोपाल को लेटर लिखा, वे इनके कार्रवाई की जाए और भुगतान किया जाए। रजिस्ट्रार ने लेटर बैंक DR को दिया है कि आप इसकी कार्रवाई करके और हमको 7 दिवस में अवगत करवाए। वो 9/6 का निकला हुआ है, परंतु आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है और हमको पैसा भी, मतलब हमारे पैसे का भुगतान भी नहीं हुआ। क्या आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो हमारी जो FD राशि काटी गई है वो हमको भुगतान कर दी जाए। कितने कर्मचारी हैं इसमें? करीबन 125 से लगा 150 तक के लगभग है। किसी की 10 लाख भी बचती है, किसी 3 लाख से लगा कर 10-12 लाख तक की, अभी जो नए रिटायर हो रहे हैं उनके 12 लाख तक भी जाएगी। विभाग में गए थे, संबंधित विभाग का क्या कहना है? संबंधित विभाग ने तो कहा था भाई ये पैसा काटना नहीं था, DR साहब ने खुद ने हमको आश्वासन दिया था कि ये पैसा आपको दिला दूंगा, पर आज तक पैसा वापस नहीं मिला। अपन मार्च से कर रहे हैं। सलाम आपका। छन्नूलाल पटेल, शाखा प्रबंधक, रिटायर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।